फोन अलाउड नहीं है क्योंकि अभी थोड़ा केस वगैरह चल रहा है, क्योंकि बगल में मस्जिद है और उसी के नीचे कृष्ण भगवान जहाँ जन्म लिए थे वो चीज़ है। सो गाइस आ चुके हैं फाइनली हम लोग अंदर मंदिर में। फिर एक बार ये कर रहा है गाइस, फाइनली हमने दर्शन कर लिया। काफ़ी ज़्यादा भीड़ था और अंदर फोन मना था, तो फिर जो मेन मंदिर था उसका हमने क्लिप नहीं लिया। बट काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी धक्का मुक्की हुई और उसमें लगभग काफ़ी टाइम लग गया एंड दर्शन हो गए अच्छे से, काफ़ी अच्छे से हुए। अभी क्या है कि ये चेकआउट करना है रूम, तो अभी होटल पर जाएंगे और फिर चेकआउट करेंगे। तो फटाफट से पहुँचते हैं होटल पर। गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं इस्कॉन मंदिर, इस्कॉन टेम्पल। तो अभी यहाँ पे भी दर्शन करना है और काफ़ी खूबसूरत प्लेस है। गोविंदाज स्नैक्स, गोविंदाज प्रसाद, गीता माता, बोलिया राधे राधे। गाइस फाइनली आ चुके हैं हम लोग मंदिर में और अभी यहाँ पे भी लाइन में लग के जाना है वहाँ से। तो गाइस निखिल कहाँ हो? आ जाओ, ये है हम yes. और ये इस्कॉन टेम्पल, इस्कॉन। और अभी हम लोग इधर जाएंगे, ये तो म्यूजियम है, ऊपर भी जाना है तो आगे देखते हैं। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। चलते हैं म्यूजियम में, पता नहीं यहाँ पे कैमरा लगा। ओह वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। राधे रानी, नारद मुनि, ऋषि मुनि, हमारा इंडिया का इंडिया आएगा आएगा जापान या ऑस्ट्रेलिया। हमारा इंडिया
ह्यूमन बींग्स लाइफ साइकिल, ये सारा एक स्टेज है और लास्ट में तो यहाँ है मंदिर, यहीं पे लोग झूम रहे थे। बुक सेंटर्स, जय श्री राधे राधे। फाइनली गाइस हमने इस्कॉन टेंपल भी घूम लिया और काफ़ी अच्छा लगा, और वो जो फॉरेनर गाना गाए थे काफ़ी बेहतरीन और बहुत ही अच्छी आवाज़ थी, काफ़ी मज़ा आया। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और कितनी सारी भीड़ होते जा रही है, टाइम टू टाइम जैसे ऐसे बढ़ रहा है और भीड़ बढ़ता जा रहा है, देख सकते हैं कितना ही ज़्यादा भीड़ हो रखा है। खिचड़ी प्रसाद के नाम में खिचड़ी मिल रही है, खिचड़ी। तो अभी हमने रूम चेकआउट किया है और अब हम लोग निकल रहे हैं मथुरा के लिए, एंड मथुरा में देखते हैं क्या क्या घूमने वाला है। ठीक है रोशन भाई, टाटा, फिर मिलते हैं। गाइस फाइनली हम लोग 20-20 रुपए दे के वृंदावन टू मथुरा आ चुके हैं, और अभी हम लोग जहाँ पे है ये कृष्ण जी का जन्म स्थल, जहाँ पे कृष्ण जी का जन्म हुआ था। अभी अंदर चलेंगे और देखते हैं अंदर क्या क्या है। बहुत ही दुखद बात गाइस कि अंदर हम ना फ़ोन ले जा सकते हैं, ना अपना स्मार्ट वॉच ले जा सकते हैं, कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं। तो अभी हमें सब कुछ यहाँ पे रख के और वापस जाना है। तो निखिल कैसा लग रहा है बिना फ़ोन के जाते हुए? फीलिंग सैड विद 69 अदर्स। भाव और श्रद्धा से जाएंगे, श्रद्धा को नहीं आ पाएगा और क्या। अंदर का कुछ भी ले ही नहीं सकते हैं, आप बाहर से देख लो, ये रहा ये रहा, बाकी अंदर का हम लोग खुद देख लेंगे, देख के रिव्यू देंगे कैसा है। हम लोग बस बताएंगे कि ऐसा है अंदर में। So guys, हम लोग अंदर से घूम के आ चुके हैं और काफी बेहतरीन जगह था। We miss our phones. कबूतर बहुत थे और हर एक कबूतर का पता है हगना कहाँ पे, वो देखने से पता चल गया था। तो बात ऐसा है कि यहाँ पे अंदर फोन इसलिए अलाउड नहीं, क्यों अलाउड नहीं बताओ? क्योंकि यहाँ पे अभी थोड़ा नया नया बना है, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है, और बगल में वो भी है, मस्जिद भी है जहाँ पे इसमें केस चल रहा है, जो भी चल रहा है। ज्यादा डिस्क्रिप्शन देना तेरे को, उसके कारण फोन अलाउड नहीं है इधर। सो इसका अभी कोई भी गैजेट या फोन अलाउड नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ा केस वगैरह चल रहा है, क्योंकि बगल में मस्जिद है और उसी के नीचे कृष्ण भगवान जहाँ जन्म लिए थे वो चीज़ है। तो इस कारण अभी क्या है कि अभी अंदर फोन वगैरह सब अभी बंद कर रखे हैं। तो अभी यहाँ से हम लोग कहाँ चलने वाले हैं? कंस के महल, कंस के घर, या तो यमुना घाट को ही जाएंगे। तो अभी हम लोग वहाँ पे चलते हैं, फिलहाल काफ़ी लेट हो गया, भूख भी लगा है। कान खाना लगा है, भूख, चलो। तो फिलहाल अभी हम लोग कुछ खाते हैं और फिर वहाँ से निकलेंगे। गाइस बस नहीं मिली, तो अभी हम लोग पूल के नीचे चल रहे हैं। कहाँ कहाँ चलना पड़ेगा पता नहीं। बस स्टैंड पे ही बस नहीं थी, जहाँ गए वहाँ भी बस नहीं थी, कहाँ कहाँ जा रहे पता नहीं। हमारे पास बस भी नहीं है, ये लोग भी बस में नहीं है। मैंने अब हमारे बस में कोई बस नहीं, हाँ बस अब बस का इंतजार है। अब ये लोग कहाँ जा रहे हैं पता नहीं भाई।
आ चुके हैं पुल पे और अभी तक बस का तो कोई दर्शन है नहीं। पता नहीं कैसे जाएंगे, बस कब आएगी, कहाँ आएगी, यहीं आएगी बट आइडिया नहीं है कब तक आएगी। किसी दिन